तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं प्राची देसाई ने कुल कितनी फिल्में बनाई हैं, कितनी हिट रही, कितनी फ्लॉप रही। इससे पहले उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्राची देसाई का जन्म 12 दिसंबर 1988 को हुआ था। उनके पिता का नाम निरंजन देसाई, उनके माता का नाम अमिता देसाई है। उनकी करियर की शुरुआत टीवी नाटक कसम से में हुई थी, जो कि 2006 में बनाई गई थी। प्राची देसाई की 2008 में पहली फिल्म आई थी जिसका नाम था रॉक ऑन। इस फिल्म में प्राची देसाई के साथ अर्जुन रामपाल, जहाना गोस्वामी, फरहान खान थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑरेंज रही थी। इसके बाद 2009 में प्राची देसाई की एक और फिल्म आई जिसका नाम था लाइफ पार्टनर। इस फिल्म में प्राची देसाई के साथ गोविंद और तुषार कपूर प्राची देसाई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसके बाद 2010 में प्राची देसाई की एक और फिल्म आई जिसका नाम था वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई। इस फिल्म में प्राची देसाई के साथ अजय देवगन, इमरान हाशमी, कंगना रनौत थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसके बाद 2012 में प्राची देसाई की एक और फिल्म आई जिसका नाम था तेरी मेरी कहानी। इस फिल्म में प्राची देसाई के साथ शाहिद कपूर, प्रियंका चोपड़ा प्राची देसाई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसके बाद 2012 में प्राची देसाई की एक और फिल्म आई जिसका नाम था बोल बच्चन। इस फिल्म में प्राची देसाई के साथ अजय देवगन, प्राची देसाई, अभिषेक बच्चन थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इसके बाद 2013 में प्राची देसाई की एक और फिल्म आई जिसका नाम था आई मी और मैं। इस फिल्म में प्राची देसाई के साथ जॉन अब्राहम प्राची देसाई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। इसके बाद 2013 में प्राची देसाई की एक और फिल्म आई जिसका नाम था पुलिस गिरी। इस फिल्म में प्राची देसाई के साथ संजय दत्त, प्रकाश राज प्राची देसाई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसके बाद 2016 में प्राची देसाई की एक और फिल्म आई जिसका नाम था रॉक ऑन 2। इस फिल्म में प्राची देसाई के साथ अर्जुन रामपाल प्राची देसाई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही थी। इसके बाद 2016 में प्राची देसाई की एक और फिल्म आई जिसका नाम था अजहर। इस फिल्म में प्राची देसाई के साथ इमरान हाशमी प्राची देसाई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। दोस्तों इन सभी फिल्मों में आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।